हेलो फ्रेंड्स, इडुएरा चैनल पे आपका स्वागत है। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पैनकाइमेटस कोशिकाओं के बारे में। पैनकाइमेटस कोशिकाएं जो कि समान प्रकार की कोशिकाएं होती है और इनके द्वारा समान रूप से कार्य किया जाता है, मींस ये समव्यासी कोशिकाएं हैं जो समान रूप से कार्य करती है। इन कोशिकाओं को मर्दोत्तकीय कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर स्पष्ट केंद्रक मौजूद पाया जाता है और ये कोशिकाएं जीवित प्रकार की होती है। जैसे यदि हम कॉर्क सेल्स की बात करें तो वो डेड सेल्स कहलाती है, जबकि मर्दोत्तकीय कोशिकाएं लिविंग सेल्स कहलाती हैं। इन कोशिकाओं की सेल वाल काफी पतली होती है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से सेल्यूलोस, कैल्शियम पैक्टेट अथवा पैक्टोसेल्यूलोस मींस पैक्टीन व सेल्यूलोस के द्वारा होता है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के विभेदन के द्वारा बनने वाली ये सबसे पहली कोशिकाएं हैं, अतः इन्हें यूनिवर्सल टिश्यू भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका उपस्थित पाई जाती है, जबकि यदि इंटरसेल्युलर स्पेस की बात करें तो इंटरसेल्युलर स्पेस उपस्थित भी पाया जा सकता है अथवा इनका अभाव भी पाया जा सकता है। यदि इंटरसेल्युलर स्पेस उपस्थित हो तो इनकी उत्पत्ति साइजोजिनस टाइप की होती है। पादपों में प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनने वाले प्राइमरी स्टेम के कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर पेरिसाइकल में पिथ तथा मेडुलरी रेस के अंदर पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं मौजूद पाई जाती है। वहीं अगर लीफ की बात करें तो लीफ के मेसोफिल पार्ट के अंदर पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं उपस्थित पाई जाती है। इन कोशिकाओं की शेप की अगर बात की, ये कोशिकाएं अंडाकार ओवेल शेप्ड, गोलाकार राउंडेड, रेक्टेंगुलर त्रिकोणीय अथवा बेलनाकार सिलेंड्रिकल तथा स्टार शेप्ड तारानुमा संरचना के अंदर मौजूद पाई जाती है। ध्यान में रखने वाली बात है कि पैनकाइमेटस कोशिकाएं सामान्यतः समव्यासी प्रकार की देखने को मिलती है, जबकि अधिक से अधिक ये कोशिकाएं 14 पार्श्वरेखीय तलों के अंदर बनी हुई पाई जा सकती है। ऐसी व्यवस्था में इसे चतुर्दश फलकीय कोशिकाएं कहा जाता है। पैनकाइमेटस कोशिकाओं से जुड़ी कुछ मुख्य बातों की यदि बात की जाए तो ब्रायोफाइट्स प्लांट का पूर्णतः निर्माण इन मर्दोत्तकीय कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। फ्रूट का जो गुदा पार्ट होता है, फ्रूट का जो गुदा भाग होता है, उसका निर्माण भी पैनकाइमेटस सेल्स के द्वारा होता है। इन पैनकाइमेटस कोशिकाओं की उत्पत्ति प्राथमिक विभाजोत्तकी कोशिकाओं के द्वारा होती है। यदि एंडोस्पर्म की बात की जाए तो एंडोस्पर्म के मर्दोत्तकीय कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थल का अभाव पाया जाता है। ध्यान में रखने वाली बात है कि यदि हम कॉर्टिकल जोन के अंदर मौजूद पैनकाइमेटस कोशिकाओं की बात करें तो वहां इंटरसेल्युलर स्पेस मौजूद पाया जाता है, जबकि एंडोस्पर्म के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस का अभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ इन पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा जीवद्रव्य सेतु मौजूद पाया जाता है। आगे अगर हम पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से ये चार प्रकार से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरेन्काइमेटस कोशिकाएं, जिसे हिंदी में हरित मर्दोत्तक कहते हैं। हरित मर्दोत्तक नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसे मर्दोत्तकीय कोशिकाएं जिनके अंदर हरित लवक मौजूद पाया जाता है, मींस इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट मौजूद पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण इन कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। लीफ के मेसोफिल पार्ट के अंदर क्लोरेन्काइमेटस कोशिकाएं मौजूद पाई जाती है, जिसके आधार पर लीफ का मेसोफिल पार्ट पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में विभेदित रहता है। सेकेंड, एरेनकाइमेटस कोशिकाएं, जिसे हिंदी में वायुत्तक कहते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है ऐसे मर्दोत्तकीय कोशिकाएं जिनमें वायु भरी रहती है, मींस इन कोशिकाओं के अंदर एयर कैविटी अथवा एयर चैम्बर्स मौजूद पाए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति के द्वारा इनमें वायु भरी रहती है। ये कोशिकाएं मुख्यतः गोलाकार प्रकार की होती है और मुख्य रूप से हाइड्रोफाइट्स प्लांट के कॉर्टेक्स रीजन में उपस्थित पाए जाते हैं। इन एरेनकाइमेटस सेल्स की उपस्थिति के द्वारा हाइड्रोफाइट्स प्लांट को बाउंसी गति प्रदान करते हैं। प्रोसेनकाइमेटस कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जबकि बीच का भाग चौड़ा होता है। सामान्यतः इन कोशिकाओं को ढोलकाकार कोशिकाएं कहते हैं और इनके द्वारा मुख्य रूप से पेरिसाइकल का निर्माण होता है। फोर्थ नंबर, स्टीलेट पैरेन्काइमा, हिंदी में जिसे ताराकाय मर्दोत्तकीय कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का आकार तारानुमा होता है। इन कोशिकाओं में एयर चैम्बर्स भी मौजूद पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा मुख्य रूप से यांत्रिक सपोर्ट प्रदान किया जाता है, अतः पादपों के पर्ण आधार के अंदर
स्टेलेट पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं मौजूद पाई जाती है। ऐसी मृदुत्तकीय कोशिकाएं जिनके द्वारा टेनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्सलेट इनका संग्रहण का कार्य किया जाता है, ऐसी विशिष्ट कोशिकाओं को आइडियोब्लास्ट कहते हैं। यदि फ्रेंड्स बात करें पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के फंक्शन की, तो पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के द्वारा मुख्य रूप से संग्रहण स्थल के रूप में कार्य किया जाता है, जिनके द्वारा स्टार्च, प्रोटीन, तेल अथवा वसा का संग्रहण किया जाता है। इसी के साथ पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के क्लोरेन्काइमेटस के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा म्यूसिलेस सिक्रेशन का कार्य इन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार की मृदुत्तकीय कोशिकाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण भी किया जाता है, ऐसी अवस्था में इन्हें आइडियोब्लास्ट सेल कहते हैं। साथ वाटर स्टोरेज का कार्य, घाव अथवा चोट लगने पर तीव्र दर से विभाजन के द्वारा इन कोशिकाओं के द्वारा उन घावों को भरने का कार्य भी मृदुत्तकीय कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।